एरिथ्रोलाइटिक्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को बोलते हैं। जैसे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स बोलते थे बिकॉज वो पैरासिम्पैथेटिक जैसा एक्शन करती थी, यानी उनका मिमिक करती थी। और जो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स होती हैं ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन के अपोजिट काम करती हैं, इसीलिए क्या है ये पैरासिम्पैथोलाइटिक्स हैं, लाइटिक्स। ओके, इनको कि इस हिसाब से पढ़ेंगे जैसे कि कौन से ऑर्गन में किस रिसेप्टर पे कौन सी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग काम करती है और क्या उसका यूज है और क्या उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, फर्स्टली अपन बात करेंगे स्टोमक से। हमको पता है कि स्टोमक पे M1 मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था, याद किया था कि पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ एंड मौज करो, तो M1 M2 M3 इस हिसाब से होते हैं। तो M1 होता है कहाँ, स्टोमक पे। और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या होता है मेनली, कि यहाँ पे ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन और SCL का सिक्रेशन बढ़ाते हैं। लेकिन जब पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग दिए जाएंगी तो ये क्या करेंगी, M1 रिसेप्टर्स को इनिबिट कर देंगी और सिक्रेशंस को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो इनका यूज जो होगा वो होगा पेप्टिक अल्सर डिजीज को क्योर करने के लिए। ठीक है, और ये ड्रग्स होती हैं जैसे पायरेनजेपिन और सेकेंड है टेलेनजेपिन। इसमें जो होती हैं पायरेनजेपिन और टेलेनजेपिन, ये M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। तो यहाँ पे एट्रोपिन भी दी जा सकती है लेकिन नहीं दी जाएगी, बिकॉज वो क्या करता है कि M1 को तो ब्लॉक करता ही है लेकिन उसके साथ साथ M2 और M3 को भी ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए बिकॉज वो क्या करेगा, M3 को ब्लॉक होने के कारण जो GIT की स्मूथ मसल्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, उनका रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो उनका मूवमेंट कम होगा। तो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है, यानी कि जो SCL का मिक्सचर स्टोमक में स्टोर रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाएगा, उससे SCL का वहाँ की लेयर पे बोलूँ म्यूकोसा पे ज़्यादा देर तक इफेक्ट रहेगा या ज़्यादा देर तक वो टच में रहेगा। तो इसी वजह से एट्रोपिन नहीं दिया जाता, स्पेशली जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज हो। तो एट्रोपिन क्या होती है, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर। ओके, बिकॉज ऑफ M1, M2, M3 तीनों को क्या करता है ये ब्लॉक कर देता है। और M3 कहाँ होता है, मसल्स पे होता है, जिससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ जाएगा और वो SCL का रिस्टोरेशन ज़्यादा टाइम तक रहेगा और उससे पेप्टिक अल्सर ज़्यादा बढ़ेंगे, बल्कि अपन को कम करना है। इसीलिए अपन को किसका यूज़ करते हैं, पायरेनजेपिन और टेलेनजेपिन का। सेकेंड बात करेंगे हार्ट पे। हार्ट पे पता ही है M2 रिसेप्टर्स होते हैं। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या होता है कि हार्ट को डिप्रेस करते हैं और ब्रेडिकार्डिया कोज करते हैं, लेकिन पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्या करेंगे, M2 को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और M2 को ब्लॉक कर देंगे तो क्या कोज करेंगे, टैकीकार्डिया कोज करेंगे। ठीक है, तो इनका यूज किस में होगा, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में और AV ब्लॉक, बिकॉज जब M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो हार्ट का डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, और डिप्रेशन जब हार्ट का खत्म होगा तो सिंपैथेटिक एक्शन अपनी एक्टिविटी दिखाता रहेगा, तो क्या कॉज होएगा उसमें, टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो ब्रेडिकार्डिया के इलाज में अपन पैरासिम्पैथोलाइटिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एट्रोपिन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है।
एट्रोपिन क्या है इसमें? ड्रग ऑफ चॉइस। ये क्या करता है कि इसमें दो टाइप पे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हार्ट में M1 और M2। जो M1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं, और जो प्री साइनेप्टिकली M1 रिसेप्टर होते हैं, वो एक तरह से ब्रेक की तरह काम करते हैं। तो होता क्या है, जब पैरासिम्पैथोलाइटिक्स यानी जैसे एट्रोपिन दिया गया, तो वो नर्व से आएगा और नर्व पे प्री साइनेप्टिकली पहले कहाँ पहुँचेगा? प्री साइनेप्टिकली फर्स्टली ब्लॉक्स प्री साइनेप्टिक M1 रिसेप्टर। तो क्या होगा, ब्रेक फेल हो जाएंगे, और ब्रेक फेल होने से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज होगा, और एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन एक बार बढ़ेगा, और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या है, हार्ट को डिप्रेस करना, यानी ब्रेडिकार्डिया। तो पहले स्टार्टिंग में एक बार क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, एक बार अचानक से क्या होगा, इनिशियल ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट बाद, इसके बाद आफ्टर इट पोस्ट साइनेप्टिक M2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। जब एट्रोपिन M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा पोस्ट साइनेप्टिकली, तो क्या होगा, अब एसिटाइलकोलिन आओ चाहे नहीं आओ, M2 रिसेप्टर्स अपना काम करेंगे ही नहीं, तो M2 रिसेप्टर्स का काम खत्म हो जाएगा, मतलब उसका हार्ट का डिप्रेस होना बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया होएगा। क्या कोज होएगा, टेकीकार्डिया, और यही अपन को चाहिए। तो ब्रेडिकार्डिया और एवी ब्लॉक में एट्रोपिन का यूज किया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में इनिशियल ब्रेडिकार्डिया होता है और फाइनली टेकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे ब्रोंकस पे क्या इफेक्ट होता है। ब्रोंकस पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे M3 रिसेप्टर होते हैं, ठीक। तो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता क्या है कि ये हार्ट को डिप्रेस करते हैं और बाकी सबको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इसका काम होता है पैरासिम्पैथेटिकली। लेकिन अगर M3 को ब्लॉक कर देंगे या फिर इनके फंक्शन को इनहिबिट कर देंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स से, तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा। तो इसका यूज अपन कर सकते हैं किस किस में, ब्रोंकियल अस्थमा में, और COPD में। तो इसमें अपन दो ड्रग्स काम में लेते हैं, जैसे इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी बात करते हैं। जैसे ये जो इप्राट्रोपियम है, ये फास्ट एक्टिंग ड्रग है, और टायोट्रोपियम जो है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। तो जो अक्यूट अटैक्स होते हैं उसमें इप्राट्रोपियम का यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये फास्ट एक्शन के साथ साथ ये क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होती है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर होती है, जो M1, M2, M3 सबको ब्लॉक कर देती है। और M2 कहाँ होता है, हार्ट में, और हार्ट में होता है तो क्या कोज करेगी, ब्रेडिकार्डिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, M2 को ब्लॉक करेगी तो क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया। क्या करती है ये, नॉर्मली क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक ब्रेडिकार्डिया कोज करते हैं, लेकिन M2 को ब्लॉक कर देंगे यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, टेकीकार्डिया कोज हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, एक साइड इफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव। और जो
टायोट्रोपियम है ये सेलेक्टिवली काम करती है किन किन पे, सेलेक्टिवली ब्लॉक्स एम वन एंड एम थ्री, ये एम वन और एम थ्री को ब्लॉक करती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अपन एट्रोपिन का यूज क्यों नहीं करते, ऐसा भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एट्रोपिन का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि वो भी तो मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, उसका इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज एक तो वो इनहेलेशनल ड्रग नहीं है, दूसरा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी उसमें नहीं होता है, और ये ड्रग्स क्या है, इनहेलेशनल ड्रग है इसलिए इनका यूज किया जाता है। अब थर्ड बात करेंगे अपन यूरिनरी ब्लैडर पे, फोर्थ यूरिनरी ब्लैडर पे, यहाँ पे भी एम थ्री रिसेप्टर्स होते हैं और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे। वैसे नॉर्मली एम थ्री रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक में, उसका कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, यूरिन आउटफ्लो बढ़ेगा, लेकिन अगर इनको ब्लॉक कर दिया या इस फंक्शन को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर का रिलैक्सेशन होगा यानी यूरिन का रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट में ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन है तो वहाँ पे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स का अपन यूज नहीं करेंगे, जैसे ये इसका साइड इफेक्ट मान सकते हो क्या, यूरिनरी रिटेंशन। ठीक, इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें, BHP यानी बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट में क्या होता है, वहाँ ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन होता है, तो अगर वहाँ पे अपन पैरासिम्पैथोलाइटिक्स देंगे यानी यूरिनरी रिटेंशन को एग्जग्रेट होकर देंगे तो वो तो और भी ख़राब कंडीशन हो जाएगी, तो BHP वाले पेशेंट्स में अपन पैरासिम्पैथोलाइटिक्स नहीं देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही इनके और भी साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि ड्राई माउथ और CNS एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, CNS एडवर्स इफेक्ट जैसे डेलीरियम। ओके, इन ड्रग्स को कैसे याद रखेंगे, यानी या पहले ये देखेंगे कि इनको किस किस कंडीशन में यूज करेंगे, ये तो इसका साइड इफेक्ट हो गया, ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। ठीक है, ये इसके क्या है, साइड इफेक्ट। अब इसको यूज कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ ऐसी जगह यूज करेंगे जहाँ पे अपन को यूरिन को रिलैक्स करने में वो क्योर हो जाए, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ठीक है, और इनमें मेनली मसल कौन सी होती है, डेट्रूसर इनस्टेबिलिटी। ठीक है, यानी ये अगर किसी पेशेंट में ओवर एक्टिव ब्लैडर है यानी ब्लैडर पे कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिट्रूसर इनस्टेबिलिटी है, तो क्या करेंगे, उसको रिलैक्सेशन करवाएंगे इन ड्रग्स से जिससे उसका क्योर होएगा। तो ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो दी जाएंगी, तो इनको एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि ये क्या करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करती है यानी एक तरह से सॉफ्ट करती हैं, तो इसी तरीके से याद रख सकते हैं, SOFTBLADAR। अब इसको कैसे याद रखेंगे इनसे, जैसे S4 सोलेफिनासिन, O4 ऑक्सीब्यूटाइनिन, F4 फ्लेवोक्सेट, इस T4 होता है टोलटेरोडिन, और इसका मतलब
प्रोस्पियम, ठीक है, और इसमें डी ए आर से अपन याद रखेंगे डेरी फिनासिन को, ओके, डेरी फिनासिन, ओके। एस फोर सोलेफिनासिन, ओ फोर ऑक्सीब्यूटाइनिन, एफ फोर फ्लेवोक्सेट, टी फोर टोलटेरोडिन, टी फोर प्रोस्पियम और डी ए आर यानी डेरी फिनासिन। ये सभी क्या होती हैं? यूरिनरी ब्लेडर के ओवर एक्टिव ब्लेडर होने से या डिट्रूसर इन स्टेबिलिटी में जो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स दी जाती हैं वो ड्रग्स हैं, ओके। इनमें जो सोलेफिनासिन और डेरी फिनासिन जो है, ये दोनों ड्रग वैसो सिलेक्टिव ड्रग होती हैं, वैसिको सिलेक्टिव यानी ये एम थ्री ब्लॉकर तो होती हैं, लेकिन स्पेशली यूरिनरी ब्लेडर की जो एम थ्री रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको ब्लॉक करते हैं, इसीलिए ये दोनों ड्रग्स क्या होती हैं, वैसिको सिलेक्टिव ड्रग्स ज़्यादा। और जो ये प्रोस्पियम है इसके सबसे कम सीएनएस इफेक्ट देखने को मिले हैं, हैज लेस सीएनएस साइड इफेक्ट्स बिकॉज ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसका सेकंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मेनली किडनी से एक्सक्रीट होता है, प्राइमरीली एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो जो पेशेंट रीनल फेल्यूर वाले होते हैं उनमें एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेल्यूर, ओके। इसके बाद अपन बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स में पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या होता है कि वो ग्लैंड्स का सिक्रेशन बढ़ाते हैं, और ग्लैंड्स में भी कौन सा रिसेप्टर होता है, एम थ्री, ये क्या करते हैं पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन जब अपन पैरासिम्पैथोलाइटिक्स देंगे तो सिक्रेशंस क्या होंगे, कम होंगे, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे ड्राइनेस, ड्राइनेस में जैसे ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये सब होते हैं, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इसीलिए किन में, चिल्ड्रंस में। बिकॉज क्या होगा कि जब अपन पैरासिम्पैथोलाइटिक्स देंगे तो वो क्या कोज करेंगी, स्वेटनिंग को कम करेंगी, ड्राइनेस करेंगी, तो चिल्ड्रंस में भी सेम होगा, क्या होगा, स्वेटिंग कम होगा। जो स्वेटिंग कम होने से क्या होगा, जब वो चिल्ड्रंस कुछ भी काम करेंगे तो उनमें टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि स्वेटिंग हो नहीं रहा है तो नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो फीवर होगा उसको बोलेंगे, जैसे एट्रोपिन दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एट्रोपिन फीवर, तो उनमें फीवर होएगा। और फिर भी अगर उनमें वो कंडीशन सही नहीं हो रही है तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए चिल्ड्रंस में नहीं दी जाती, बिकॉज उनमें स्वेटिंग कम होगा तो फीवर हो जाएगा, फीवर हो, लगातार फीवर रहने से क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, और ये डेथ भी कॉज करवा सकता है, ओके। इसीलिए चिल्ड्रंस में क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और ये ड्रग्स कहाँ यूज की जाएंगी, ये यूज की जाएंगी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। क्यों, क्या होता है कि जब आईवी एनेस्थेटिक्स देते हैं तो वो एनेस्थीसिया इनिशिएट करवाने के लिए देते हैं, लेकिन
मेंटेनेंस पर्पज के लिए इनहेलेशनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। तो जैसे रेस्पिरेटरी पाथवे है, तो यहाँ क्या होता है, सीलिया होंगे और सिक्रेशंस भी होगा। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाएंगी तो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा, और सिक्रेशंस कम होगा तो एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद ये सीलिया का फंक्शन नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपन ने एंटीकोलिनर्जिक नहीं दिया और फिर अगर एनेस्थीसिया दिया हुआ है, कौन सा, इनहेलेशनल वाला जो कि मेंटेनेंस पर्पस पे देते हैं, तो सीलिया अपना फंक्शन नहीं करेगा तो यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस जमा होगा और यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन भी कोज कर सकता है। इसीलिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में इनका यूज किया जाता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में इसका यूज किया जाता है। और ये ड्रग्स जैसे एट्रोपिन है और एक और ग्लाइकोपाइरोलेट। ओके, बाकी नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।